आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक दंड आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, ठीक है। निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर सावधानी आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये दंड आरेख है, आप इसे देख लो। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर वापस से यही देख लेंगे हम। तो देखो यार, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि किस वर्ष विशेष कक्षा की, ठीक है, किस वर्ष विशेष कक्षा की में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम थी। तो यार हमको वो देखना जिसमें छात्रों की संख्या न्यूनतम है। तो यार देखो, अगर इस दंड आरेख को हम देखें तो यहाँ पर इधर है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, इधर साइड है विद्यार्थियों की संख्या और इधर है वर्ष। तो न्यूनतम कब है? 2011 में। तो 2011 में न्यूनतम है, तो ऑप्शन में देख लो यार, 2011 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ही। यही सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2007 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम रही? 2010 की तुलना में कौन सा? 2007। तो यार 2010 और 2007 को कंपेयर करना है, तो आइए उसे भी देख ही लेते हैं हम, ठीक है। 2010 और 2007 को कंपेयर करना है। तो यार देखो, 2010 में टोटल अगर हम देखें तो इतनी जनसंख्या, मतलब 100 और 120 के बीच में, मतलब 110 है। और वहीं 2007 की अगर हम बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 50। इन दोनों के बीच अंतर की बात करें तो अंतर आ गया कितना? 60। और ये हमसे पूछा है, तो यार ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 60 किस ऑप्शन में है, 2007 और 2010 में जो छात्रों की संख्या का अंतर। तो यार ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, ठीक है, एक वर्ग दिया है और उसका जो परिमाप है कितना है, ये वर्ग हो गया और इसका परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो 4 गुणित भुजा बराबर से दिया है 44, तो भुजा का मान कितना आ जाता है? और तो भुजा का मान आ जाता है कितना? 11। तो यहां से तो हमने भुजा निकाल ली। और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, अब एक वृत्त दे रखा है ये, ठीक है, और इसकी परिधि अपने अनुसार होती है 2πr, और उसने कितनी दे रखी है? 44। तो जब यार r का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। क्यों आ जाएगा 7? क्योंकि देखो यहाँ 22/7 लिखेंगे, 22 × 44 से 44 कट जाएगा, r की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो देखो, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक? तो हमारे पास एक वर्ग है और एक क्या है? वृत्त। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाले यहाँ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। तो भुजा का मान कितना है? 11। और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 121 हो गया। वही वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान है हमारे पास कितना? 7। तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 काट देंगे। जब 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 22 × 7 = 154। और उसने पूछा है कि यार इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, मतलब ये क्षेत्रफल हो गया किसका? वर्ग का। ये क्षेत्रफल हो गया किसका? वृत्त का। तो यार इन दोनों क्षेत्रफलों के बीच अंतर निकालना, और जब अंतर निकालेंगे तो अंतर आपका आ जाएगा कितना? 33, ठीक है, 33 सेंटीमीटर का आएगा अंतर, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का। परंतु उसने बोला है किस, देखो, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो वृत्त का अधिक होगा, और कितना? वो भी 33। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर है, किस आकृति का और कितना क्षेत्रफल अधिक होगा? तो 33 अधिक होगा। और किस आकृति का? तो वृत्त का। चाहो तो देख लो, वृत्त का 154 है और वर्ग का है कितना? 121। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना, जितना डेटा दिया था उतना ही हमें सोचना है। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात हो जाती है, तो देखो दिए गए चित्र में ए का मान बताना है, ठीक है, कोण ए का मान बताना है। तो यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, पर इसे ध्यान से देख लो, करेंगे कैसे हम। अब देखिए यार कि अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ठीक है, त्रिभुज इसकी, एक मिनट त्रिभुज पर नोटिस करना, हम बात कर रहे हैं ओ बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी दिख रहा होगा। तो त्रिभुज ये वाला ओ पर कोण बन रहा है 108, बी पर बन रहा है एक्स, और इस पर भी बन रहा है कितना? वाई। तो ओ बी सी एक्स में हम इतना जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होगा कितना? 180 अंश, ये क्लियर है। तो ओ बी सी में कौन से कोण आ रहे हैं? तो पहला कोण तो जा रहा है 108 डिग्री का, दूसरा है x डिग्री का, और तीसरा है कितने? y डिग्री का, बराबर से कितना? 180 डिग्री यार।
तो यहां से आप x प्लस वाई का जब मान निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, तो 72 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम देखो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 72 डिग्री, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब मैं अगर त्रिभुज की बात करूं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर से भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है यार, और कोण बी की अगर मान की बात करें तो कोण बी ये पूरा का पूरा मतलब एक्स और एक्स कितना 2x, और कोण सी की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा सी हो जाएगा मतलब वाई और वाई कितना 2y बराबर से कितना 180 डिग्री। मतलब हमें देखो यहां पर अगर कोण ए का ए रहने दो, इसमें से क्या कॉमन ले ले, दो कॉमन ले लेते तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर से कितना 180 डिग्री। और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को आप पहले वीडियो रोककर खुद से सॉल्व करें और उसके बाद इधर सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो उसके बाद कोण ए प्लस टू का टू, ए प्लस बी का मान हमारे पास कितना है यार 72 है, तो यहाँ जाएगा 72 बराबर से 180 डिग्री। और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो यार 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, तो कोण ए बराबर से 180 डिग्री माइनस 144, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो फाइनली कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा राइट आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन को कोशिश करिए कि पहले आप वीडियो रोके खुद से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा, इससे आप चीजें सीखेंगे भी, और जब यदि आपसे नहीं बनता है तो हम तो आपको बता ही रहे हैं आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं कि एक अंकी संख्या, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक द्वि अंकी संख्या, हमने सुधार दिया है ना, एक द्वि अंकी संख्या और द्वि अंकी संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच 18 का अंतर है, ठीक है, अंतर 18 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग 72 है, ठीक है, जो अंक का योग कितना है, सॉरी 12 है। इसी अंकी संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा यार। तो आपने अगर मैथ ठीक से पढ़ा होगा तो आप इतना जानते होंगे कि दो अंकी संख्या क्या होती है, तो 10x प्लस y, ये द्वि अंकी संख्या हो गई। अब उसने बोला कि एक द्वि अंकी संख्या और द्वि अंकी संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलेगी, तो जब दोनों अंकों को बदलेंगे तो नई वाली संख्या क्या जाएगी 10y प्लस कितना x, ये नई संख्या जाएगी। बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच अंतर, अब इन दोनों के बीच क्या है अंतर, और अंतर वो भी कितने का है 18 का, तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई और माइनस 10y और माइनस x बराबर से कितना 18, और आगे सॉल्व करेंगे तो 10x में से जब x घटेगा तो आएगा 9x और माइनस 9y बराबर से कितना 18। जब 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर से कितना जाएगा 2, तो यार x माइनस वाई बराबर से तो आ गया 2। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 72 है। अब दोनों अंकों का योग 72 है मतलब अंक है हमारे पास क्या x और y, तो ये x प्लस वाई का मान, सॉरी 72 बोल दिए, कितना है 12 है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। जब सॉल्व करेंगे तो यार y से y तो कट जाएगा, तो 2x बराबर से 12 और 2 14, तो x का मान तो आ जाएगा 7, और अगर x का मान 7 था होगा तो x में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो y का मान कितना होगा 5, तो यार y का मान आ जाएगा कितना 5। उसने पूछा है कि दोनों अंकों का गुणनफल कितना है, तो 7 का जब 5 में गुणा करेंगे तो उसने x y की वैल्यू पूछी, मतलब 5 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा यार राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर छठवा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सेट ए की 5 सतत सम संख्या का योग कितना है 280 है, और सतत 5 संख्या के एक भिन्न सेट का योग क्या है जिसके न्यूनतम सेट, ठीक है, जिसके न्यूनतम सेट ए की न्यूनतम संख्या के दोगुने से 71 कम है, ठीक है, मतलब ये न्यूनतम सेट लिखा वैसे यहाँ न्यूनतम संख्या। देखो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो कि जैसे यहां दिया है सेट ए की 5 सतत सम संख्या का योग कितना है 280। अब 5 सतत सम संख्या की बात करें तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्या को मानते क्या है, तो जो सम संख्या होती है उनको मानते हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। कितनी संख्या हो गई, तो 1 2 3 4 5, इन सभी का योग कितना दे रखा है तो हमें 280। इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 280, तो डायरेक्ट मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे
ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे। कोशिश करिए कि आप खुद से भी सॉल्व करें। तो x, 2x, 3x, 4x और एक 5x, तो ये 5x आ गया। प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना 20, बराबर से कितना है 280। प्लस का 20 काय में जाएगा, माइनस में तो बच जाएगा कितना 260। और यहाँ हमारे पास 5x, 5 से काटेंगे तो यार 25 बचेगा 1, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। मतलब जो x की वैल्यू आ जा रही है 52 आ जा रही है। x की वैल्यू 52, मतलब ये सबसे छोटी संख्या आ गई यार। तो छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी आ गई 52। तो क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो जिसकी न्यूनतम संख्या, मतलब क्या 52 सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने। अब इसका देखो, सेट ए की न्यूनतम संख्या कितनी है 52, तो 52 का 2 गुना मतलब कितना 104 से 71 कम है। मतलब इसमें से अगर 71 माइनस कर दे तो आगे क्या जाएगा यार, तो 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3, और 10 में से जब 7 घटाओगे तो 3। मतलब देखो, सेट ए की न्यूनतम संख्या से 2 गुने से 71 कम है। मतलब कौन सी संख्या जो सतत पांच भिन्न संख्या, सतत पांच संख्याओं के एक भिन्न सेट का योग, तो उसमें सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 33, अगली क्या होगी तो 34, अगली क्या होगी तो अगली हो जाएगी कितनी 34 के बाद 35, फिर हो जाएगी 36, फिर हो जाएगी 37। तो देखो यार, 1 2 3 4 5, उसने यही पूछा है कि सतत पांच, ठीक है, ये चीज पर नोटिस करिए, सतत पांच संख्याओं के एक भिन्न सेट का योग ज्ञात कीजिए जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 71 कम थी। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 33, फिर 34, 35, 36, 37, इन सभी का योग ज्ञात करना है। जब इन सभी का योग निकालेंगे तो यार देखो, योग जोड़ लेते हैं अपन। जोड़ेंगे तो देखो, 7 और 6 हो जाएगा 6 दुनी 12, 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 4 22, 22 और 3 हो जा रहा होगा 25, 25 का 5 बचेगा कितना 1, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो आ जाएगा कितना यार 165 होगा। एक अदर सेट जिनकी पांचों संख्या का योग 165, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। पर कोशिश करिए, क्वेश्चन अगर थोड़ा भी टफ लग रहा हो तो एक बार पहले तो खुद से कोशिश करना आपको हर एक में जरूरी है। नहीं तो आपसे ये होगा कि अभी तो क्वेश्चन यहाँ बन जा रहे होंगे क्योंकि अभी हम बता दे रहे हैं, परंतु उसके बाद जब आप पेपर में जब करोगे तो आपसे चीजें बनेगी नहीं। इसलिए हर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व जरूर करें, और ना बने तो आप सॉल्यूशन आगे जरूर देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि यदि 1001 गुणा 111, ठीक है, 1001 गुणा 111 बराबर से इतना दे रखा है हमें। तो यहाँ पर तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो रिक्त स्थान में मान लो x, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 101 का जब गुणा करोगे तो 111 और 111 इतना मिलेगा बराबर से। यहाँ हमारे पास है 11 और 4 टाइम 0 बराबर से, यहाँ कितना, सॉरी, गुणा कितना हो जाएगा 11x। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यार 1 2 3 4 5 6 बार 1 है, उसमें से माइनस होगा इतना बराबर से कितना है 11x। जब यार 4 0, मतलब 4 1 तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, 1 2 3 4, और 11 में से 11 तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ 11 और x आ जाएगा। तो 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, और 11 एकम 11 बराबर से किसका मान आ जाएगा, x का मान। तो यार इस खाली स्थान की जगह आ जाएगा 101, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चाहो तो आप एक बार जरूर कोशिश की होगी आपने भी, और इतना ही आपका आंसर आ रहा होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8, यदि 26679 को 39 से भाग देने पर और 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, शेषफलों का के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो यार सबसे पहले तो आप वीडियो रोको और खुद से सॉल्व इसको जरूर करो, ठीक है। जब आप भाग दे रहे होंगे किसको, 26689, ठीक है, 79 को, किससे, 29 से, जब 39 से भाग दोगे, एक मिनट, 26679 को जब हम भाग दे रहे होंगे 39 से, तो जब भाग दोगे तो यार जो मैं डायरेक्टली रिमाइंडर लिख देता हूं, रिमाइंडर आएगा 3। वहीं पर जब आप भाग दे रहे होंगे 29405 को, किससे, 34 से, तो 34 से जब आप भाग दे रहे होंगे तो जो शेष आएगा वो शेष आ जाएगा 29, ठीक है, 29 शेष आएगा। अब क्या करना है, देखो उसने बोला है कि भाग देने पर प्राप्त
शेषफल के अंतर को, शेषफल का अंतर मतलब इसका शेषफल 29, इसका शेषफल 3, इन दोनों के अंतर की अगर हम बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना जाएगा 26 को 18 से भाग देने पर। जब अब इससे 18 से भाग दोगे तो 18 एकम 18, जब माइनस कर रहे होंगे तो यहां शेष बच जा रहा होगा कितना 8, तो शेषफल क्या होगा यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, कितना होगा तो 8 होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से हो जाएगा कि दिए गए चित्र में ए का मान कितना होगा यदि सी वृत्त का केंद्र हो। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरम पढ़ रखी होगी, थ्योरम कुछ इस प्रकार से बोलती है कि यदि वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, ये कोई किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर एक्स डिग्री का कोण बन रहा है तो उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा, मतलब कितना x/2 होगा। तो यार ये अगर यहाँ जीवा नहीं है तो एक जीवा बना दो, ये अगर 70 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, आधे का, मतलब कितना 35 डिग्री। तो यार 35 देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि एक संतरे का मूल्य 5.50 तथा 1 किलो सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो डेढ़ दर्जन, तो डेढ़ दर्जन में कितने संतरे हो जाएंगे यार, तो 18 संतरे, डेढ़ दर्जन संतरे, तो एक संतरा कितने का है हमारे पास, तो 5.50 का, तो 5.50 में जब गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 और आ जाएगा यार टोटल 99 जब गुणा करोगे तो, और 1 और 3/4, तो 1 + 3/4 किलोग्राम सेब कितने की, तो 1 किलोग्राम सेब कितने की है 80 की, जब यहां गुणा करेंगे या तो 4 एकम 4 और 3 कितना 7/4 गुणा कितना 80, तो आ जाएगा कितना 140, तो कुल मूल्य कितना है, तो 99 और 140 को जोड़ना है तो 9, 3 और कितना 2, मतलब 239 समथिंग समथिंग आंसर आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कोशिश करिए कि एक बार आप खुद से सॉल्व जरूर करें इसे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वां कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा PQR के परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, यदि PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई क्या होगी। तो यार मैं यहाँ दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहो तो इसे याद रखो, मतलब ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसका परिमाप मान लो M है, एक अगला त्रिभुज हो गया ये, इसका परिमाप मान लो N है, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, देखो हमने इसका परिमाप माना M काले वाले त्रिभुज का और रेड वाले को मान लिया एन, तो इनके परिमाप का जो अनुपात है वही इनकी भुजा का अनुपात होता है, भुजा बटे भुजा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये आप ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है 36, तो यहाँ 36 लिख दिया, और PQR का परिमाप कितना है 24, तो बटे में कितना लिख दिया 24, तो मैंने ये बोला कि जो उनके परिमाप का अनुपात है उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, तो PQR का परिमाप है, तो ये देखो ये जो 24 परिमाप जो लिखा है वो PQR का है, तो बटे में PQR की भुजा जाएगी कितनी 10, और ABC की भुजा मानी पूछिए तो उसको x मान लो, जब काटोगे तो 12 3 36 और 12 2 24, 2 से काटोगे तो कितना 5 और 5 3 कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 15, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर कि AB का मान कितना होगा, ठीक है। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आने वाले समय में इसे पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा कि 6 घंटे में सेकेंडों को कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो सब बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग इस क्वेश्चन को, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे कि 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, ठीक है, 6 घंटे में सेकेंडों की कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, मतलब यहां से क्वेश्चन दो भागों में बढ़ जा रहा है यहां से, तो 6 घंटों में 6 घंटे में सेकंड कितने होंगे, तो 6 घंटे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का गुणा और मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इतना जाएगा, तो 6 घंटे में टोटल इतने सेकंड आ जाएंगे, कितने दिन, तो कितने दिन मतलब एक्स दिन, और एक दिन में कितने घंटे, तो 24, मिनटों की संख्या कितनी होगी, तो देखो यार कितने दिन मतलब एक्स, और एक दिन में कितने घंटे, तो 24 मिनटों, अगर इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किसका गुणा करेंगे 60 का, कितने मिनटों की संख्या के बराबर हो गए, तो 60 से 60 तो कट जाएगा, जब इसे काटेंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो कितना 15, तो यहाँ जाएगा 15 बराबर से x का मान, मतलब टोटल कितने दिनों के बराबर, कितनी संख्या किसके बराबर हुई, तो 15 दिनों के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, उसके बाद आप इसे देखोगे तो
आपसे जरूर बनेगा, अदरवाइज ये लैंग्वेजिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत डेंजर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यार देखो यहाँ 11 पची 55, 13 पंचे 65, तो 3 में अगर हम 27 का गुणा कर दे तो 87 81, मतलब लुप्त पद क्या हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और ये सारे के सारे एक्सपीरियंस का खेल है इन सभी क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है ठीक है कि राम ने अध्यापक, ठीक है राम से अध्यापक ने, राम एक स्टूडेंट है, राम से अध्यापक ने 1/4 तथा 2 सही 1/2 को जोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने गलती से घटा दिया, तो उसके द्वारा तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। ठीक है ठीक है, सही प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। तो अब यहां देखो यार, ऑप्शन पहला दिया है कि उसे भिन्नों का अभ्यास करना चाहिए, किसको, राम को। सेकंड ऑप्शन है उसे भिन्नों का ज्ञान नहीं है इसलिए जोड़ सीखने चाहिए, और थर्ड है उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उससे अध्यापक की बात, वहां उसे आएगा, उसने आएगा वैसे यहां, परंतु उसने अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुनी। तो देखो यार, अगर उसने इन दोनों का अंतर किया है, इसका मतलब उसने अगर अंतर जब कर सकता है तो योग भी आता था होगा। इसका ये मतलब है कि उसने अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुनी होगी, तभी उसने जोड़ने की जगह क्या कर दिया, अंतर कर दिया। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, कि उसने जोड़ तो करना आता है परंतु उसने अध्यापक की बात सही से नहीं सुनी, इसलिए क्या कर दिया, माइनस। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि देखो किसी संख्या में अध्यापक ने, ठीक है किसी सॉरी कक्षा किसी कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित समस्या का हल करने को कहा कि 2x+y=18 और 3x+1/2y=19, तो बच्चों ने उपरोक्त समस्या को हल करने के रूप में x का मान 5 और y का मान 4 मान ज्ञात किया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ x का मान अगर मैं लिख देता 5, तो 5 दूनी होता 10 और 4 कितना होता 14, परंतु उसने यार x का मान भी गलत लाया है, y का मान भी गलत लाया है, क्योंकि दोनों के मान लिखने पर 18 आ रहा है क्या, नहीं। इसका ये मतलब है कि इस संदर्भ में देखो x और y दोनों के मान बच्चों ने गलत निकाले हैं। तो इस आधार पर अगर हम उत्तर की जांच करें तो छात्रों ने समस्या का शुद्ध हल किया है, तो यार ये तो गलत है, उन्होंने x और y दोनों के मान गलत लाए। छात्र ने x का मान, वैसे यहाँ सही होगा ठीक है, x का मान सही जबकि y का मान गलत लाया था, दोनों उसने दोनों मान गलत लाए, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा कि y का मान सही और x का मान गलत है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर कि छात्रों को समीकरण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इससे वे समस्या का हल प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि गणित की संकेंद्रित पद्धति की विशेषता है, ठीक है मतलब जो गणित की संकेंद्री पद्धति उसकी विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, सेकंड है कठिन से सरल की ओर, थर्ड है सरल से सरल की ओर, फोर्थ है कठिन से कठिन की ओर। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा कि संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है कि संकेंद्री पद्धति में हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो देखो यार, मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो मूल्यांकन में, मूल्यांकन के बाद आता है परिणाम, तो मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो यार इसका आंसर नंबर सी होगा राइट आंसर, क्योंकि मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए, बल्कि परिणाम आता है मूल्यांकन के बाद, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर कि कौन सा गुण मूल्यांकन का नहीं है ये पूछा है, तो परिणाम मूल्यांकन का गुण नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार, स्पेशली ये नाम याद रखिएगा, इनकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है, मतलब इन चार में से तीन तो दोष है पर एक दोष नहीं है। तो पहला पहला ऑप्शन है कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, तो यार बिल्कुल ये चीज सही है ठीक है। सेकंड है उत्तर सॉरी प्रश्न पत्र
में मौखिकता का पूर्ण अभाव रहता है, ये भी नहीं होता हमारे यहाँ। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। और फोर्थ है उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, इसका ये दोष नहीं है। उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना चाहिए, किसके अनुसार, तो डॉक्टर बी एम ब्लूम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कि एक कमरे, ठीक है, यहां पर दिया है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप, परिमाप दिया है हमें कितने, 18 मीटर है, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। यदि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3 मीटर है। तो यार देखो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर से होता है क्या, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो परिमाप है 18 और ऊंचाई कितना, 3, तो 18 दिया कितना जाएगा, 54 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया, तो मीटर स्क्वायर ये होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। कभी भी यार चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना तो उसका फॉर्मूला ही होता है परिमाप गुणित ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कि देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो दो परिमेय संख्या का गुणा अगर हम करें, तो यार देखो दो परिमेय संख्या का गुणा करें, जैसे 2/3 और गुणा 3/4 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है हमारा, 1/2 आएगा। तो एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या अगर हमें बताना है, तो वहीं पर अगर हम देख ले, तो यार देखो 3/7 गुणा हम कर लेते हैं करणी 5/3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो करणी 5/ कितना आ जाएगा, 7, इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब देखो दो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणा सदैव होता है, तो एक परिमेय संख्या भी मिल सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। कि मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है, ठीक है। तो जो मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो आप जानते हैं यार सबसे ज्यादा प्रयोग जो मनुष्य किसमें करता है, तो आर्थिक में गणित का यूज करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ना कि मनोवैज्ञानिक में, सांस्कृतिक में और सामाजिक में, तीन चीजों में करते हैं पर कम, पर सर्वाधिक इसमें किया जाता है, तो आर्थिक यूज के लिए किया जाता है गणित का यूज। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। कि गणित का सामुदायिक महत्व है, ठीक है, जो गणित है उसका सामुदायिक महत्व क्या है। तो पहला ऑप्शन है नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। तो यार तीनों का यूज होता है किसमें, सामुदायिक महत्व में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य, ठीक है, जो गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक उपयोग उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन जैसे कि यहां दे रखा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत और क्रियात्मक। तो यार ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, कि गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है, तो व्यवहारगत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है, ठीक है। तो यार ये जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक ये बनेंगे नहीं। तो गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड है पियर्स, थर्ड है आइंस्टीन, फोर्थ है आर्यभट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड है राइट आंसर, कि ये पियर्स ने ऐसा कहा है कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कि निम्न में से कौन गणित का उपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन है जो कि गणित का यूज नहीं कर रहा है। तो देखो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो यहाँ तो गणित का यूज हो रहा है, मतलब ये सही है। रमण अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, तो यहाँ भी गणित का यूज हो रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। और फोर्थ है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े गिन रही, तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो उसने पूछा क्या गणित का यूज कहाँ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर,
कि जो राहुल है खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, वहां गणित का यूज नहीं हो रहा है। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क तो चल रहा है वहां, परंतु चारों ऑप्शन के अनुसार ही आंसर लगाएंगे हम। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है कि गणित का ज्ञान होना ही चाहिए समाज में जीने के लिए? तो पहला ऑप्शन है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, तो ये भी सही है। बहुत से सामाजिक न्याय गणित पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। और फोर्थ है गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है, ठीक है, जो गणित की समाज में आवश्यकता होती है, तो लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, और ए और बी दोनों तो यार ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। लेन देन में भी यूज होता है, व्यवहार में भी, व्यापार और उद्योग में भी यूज होता है गणित का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28वां कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ठीक है, जो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? मतलब ऐसा किसने कहा था यार कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, नेपोलियन, जिम पियांजे, और इनमें से कोई नहीं। तो यार नेपोलियन ने कहा था कि जो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की सामुदायिक गणित अंतःनिहित होता है, मतलब यार सामुदायिक गणित कौन सा होता है? तो त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में, और अवकलन। तो यार जो हम सामाजिक जीवन में जो यूज करते हैं वो करते हैं अंक गणित का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 की विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, ठीक है, जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को सामाजिक गतिविधियां में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है, तो ये भी सही है यार। गणित को नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी सही है, और बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास करना और बच्चों में बौद्धिक स्तर का विकास करना, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है, और लेक्चर यार कुछ इसी क्रम में आएंगे अब, क्योंकि ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, और कारण इसका यही है कि जहाँ टाइपिंग होती थी अब हम शहर से गांव आ गए हैं, और गांव में वो चीजें नहीं हो पा रही, और जो टाइप करते थे वो भाई साहब भी गांव जा चुके हैं, और जिसके कारण अब टाइपिंग नहीं हो पा रही है। तो कुछ इसी क्रम में धीरे धीरे करके ही लेक्चर आ पाएंगे, ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, पर डे एक लेक्चर आपको जरूर मिलेगा, और कोशिश रहेगी कि वो सारे लेक्चर आप मैथ्स के ही होंगे। अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक शायद ही इन्वायरमेंट का कोई लेक्चर आ पाए, पर फिर भी कोशिश हमारी जरूर रहेगी। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जहां पर भी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।